कि गांव का विकास कैसे हो रहा है, कमीशनखोरी है कि नहीं है, ये आप बताइए। हम कैमरे की नजर से हर चीज हम आपको दिखाएंगे। दो नंबर तीन नंबर ईंट है, एक नंबर ईंट नहीं है। ये देखिए, सबसे जो लो क्वालिटी की ईंट होती है वो ईंट है ये, और इसकी गिट्टी बना के यहाँ प्रयोग किया जा रहा है। सरकार गांव में पैसा भेज रही है कि गांव का विकास हो, लेकिन विकास कैसा हो रहा है आज हम आपको दिखाएंगे। हम असलम सिद्दीकी और आप देख रहे हैं यूपी अब तक। हम पहुंचे महाराजगंज जिले के सिसवां विकास खंड में पड़ने वाले ग्राम रुदलापुर में। यहाँ परफॉर्मेंस ग्रांट का पैसा आया है, करोड़ों रुपये आया है कि गांव को शहर की तरह बनाया जाए, नालियाँ बनाई जाएँ, RCC रोड तैयार की जाए, मतलब सब कुछ चकाचक हो। इन कैसे चकाचक होगा आज हम आपको दिखा रहे हैं। चकाचक जो हो रहा है वो असलियत कि गांव का विकास कैसे हो रहा है, कमीशनखोरी है कि नहीं है, ये आप बताइए। हम कैमरे की नज़र से हर चीज़ हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से विकास हो रहा है, विकास के नाम पर किस तरह इस ग्राम सभा में लूट मची हुई है। ये देखिए, पहले तो ये दिखा रहे हैं, ये लगभग एक साल पहले लोग बता रहे हैं ये इंटरलॉकिंग सड़क बनी। जरा से ये देख लीजिए, ये किस तरीके से टूट रही है, ये देख रहे हैं ना, ये इंटरलॉकिंग सड़क है, ये एक साल पहले के आसपास बनी है। इधर देखा है, कैमरामैन कहेंगे थोड़ा इधर दिखा मैं, हाँ देख रहे हैं ना, ये गांव का विकास है। इंजीनियर आए होंगे जो इस ग्राम सभा में जो काम करेंगे, वो बाकायदे इसका खर्चा बनाए होंगे, कितना रुपया खर्च लगेगा, कितना पेमेंट निकलेगा, सब निकल गया, काम हो गया, साल भर लगभग हुआ, लेकिन ये दशा हो गई है इस इंटरलॉकिंग सड़क की। अब हम आपको अंदर लेके चलेंगे, कुछ और चीज़ दिखाएंगे। यहाँ कुछ नए नए कलाकार हैं जो विकास काम को नए अंदाज में पेश करते हैं। ये चारदीवारी देख रहे हैं ना, ये विद्यालय की चारदीवारी है, चारदीवारी की 4 फीट की चारदीवारी है, और ये गेट है, गेट में जरा से देखिए, ये गेट बना है ना सिर्फ नाम के लिए गेट है ये, और चारदीवारी इधर भी हम कहेंगे कैमरामैन से थोड़ा सा दिखाइए, ये 4 फीट की चारदीवारी। अब ये बताइए कि चारदीवारी करने से क्या मतलब है, इस गेट में ताला बंद कर दीजिए, चारदीवारी है, बाहर से पूछते कूद के आदमी चला जाएगा, जानवर कूद के चले जाएंगे, तो मतलब क्या रहा चारदीवारी करने से। फिर आप आइए, हम आपको अंदर लेके चल रहे हैं। देखिए, ये इंटरलॉकिंग हो रही है, परफॉर्मेंस जो ग्रांट से रुपया आया हुआ है, जो सरकार पैसा भेजी है गांव के विकास के लिए, तो स्कूल में भी विकास के काम हो रहे हैं। लेकिन ये देख लीजिए, ये बालू के जगह पर आधी मिट्टी, आधी से ज्यादा इसमें मिट्टी अगर कहें तो इस बालू में है, इससे ये काम हो रहा है। फिर हम आपको आगे दिखा रहे हैं, ये देखिए ईंटा जो है ना, ये इंटरलॉकिंग यहाँ हो गई है। ये सब दो नंबर तीन नंबर ईंट है, एक नंबर ईंट नहीं है। ये देखिए, सबसे जो लो क्वालिटी की ईंट होती है वो ईंट है ये, और इसकी गिट्टी बना के यहाँ प्रयोग किया जा रहा है। अभी कुछ दिन पहले शीतलापुर में अधिकारी आए हुए थे, जिले का आला अधिकारी आए हुए थे, और ऐसे ही एक इंटरलॉकिंग सड़क को उन्होंने पकड़ा था, कार्रवाई कुछ नहीं हुई। यहाँ जो खंड विकास कार्यालय पर अधिकारी बैठे हुए हैं, जो BDO साहब हैं, जो सेक्रेटरी साहब हैं, कोई मतलब तो है नहीं, वो ऑफिस से निकलेंगे नहीं। अब क्यों नहीं निकलेंगे, बात अलग है। भाई देख रहे हैं ना, ये क्या है, ये बालू है ये। अरे बालू के नाम पर माटी डाला जा रहा है, पैसा लूटा जा रहा है, जो सरकार पैसा भेज रही है विकास के लिए, तो सिर्फ लूट मची है इस ग्राम सभा में। इधर भी हम आपको लेकर चलेंगे। ये कौन कहेगा ये बालू है, ये कौन कहेगा बालू है, ये बालू के नाम पे माटी डाला जा रहा है, इसमें 80% मिट्टी है, ये जैसे लग रहा है किसी खेत से निकाल ली गई है। और जो आप देखे हैं ना, वो ईंटा वो तृतीय श्रेणी का है, जो उसको गिट्टी यहां बनाकर इसके नीचे डाला गया है, ये गिट्टी है ना, इसके नीचे ये गिट्टी है, देखिए ये सब, ये देख रहे हैं ना कैसे जोड़ा गया है, ये मसाला गायब है। इस तरीके से विकास काम इस रुदलापुर ग्राम सभा में परफॉर्मेंस ग्रांट के रूप से हो रहा है। हम आपको दिखाने के लिए आए हुए हैं, ये जूनियर हाई स्कूल का प्रांगण है ये, और यह विकास काम चल रहा है। यह जूनियर हाई स्कूल, यहाँ बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन किस तरीके विकास काम हो रहा है हम आपको दिखा रहे हैं। और भी हम आपको दिखा रहे हैं एक चीज, ये आंगनबाड़ी है, देख रहे हैं ना, बहुत बढ़िया आंगनबाड़ी बना हुआ है, और अब कुछ दिन पहले 1.5-2 साल पहले ये सब बना है, देख लीजिए ये क्या हो रहा है, ये यही विकास है, सरकार यही पैसा भेज रही है विकास करने के लिए, ये भ्रष्टाचार नहीं है तो और क्या है ये।
हमारा घर आपका घर बनता है तो 20 साल 25 साल तक कोई छूता नहीं है। इधर भी देखिए, ये 3 नंबर जो सबसे लो क्वालिटी ईंटा होता है वो है, ये सब इसी की गिट्टी बनेगी। आखिर यहां क्यों ये गिट्टी के लिए पड़ी हुई ईंट, इसका काम नहीं है तो आखिर यहां क्यों रखा गया है ये? इस ग्राम सभा में विकास हो रहा है या विकास के नाम पर लूट मची हुई है? ऐसे ही खबर आपको हम दिखाते रहेंगे। आप देखते रहे यूपी अब तक। अगर YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करिए और शेयर करिए।